खबर है कानपुर की, जहां पनकी क्षेत्र में शनिवार देर रात बदमाशों ने एक फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड की निर्मम हत्या कर लाखों के लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर ले गए, साथ ही अलमारी में रखे 10 लाख रुपए, लैपटॉप सहित अन्य सामान भी लूट कर ले गए। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह वारदात की जानकारी होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे गोविंद नगर और पनकी पुलिस में सीमा विवाद शुरू हो गया। बाद में सीओ ने हस्तक्षेप करके फोरेंसिक टीम बुलाई। फैक्ट्री मालिक ने 10 लाख रुपए व सामान लूटे जाने की जानकारी दी है। नवाबगंज आजाद नगर निवासी विजय अग्रवाल की अपट्रॉन एस्टेट में सुमन प्लास्टिक कॉरपोरेशन नाम से फैक्ट्री है। इसमें प्लास्टिक शीट व अन्य उत्पादों पर प्रिंटिंग का काम होता है। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि देर शाम फैक्ट्री बंद होने के बाद एक गार्ड सुबह तक रहता है। रविवार सुबह दूसरा गार्ड पुरुषोत्तम फैक्ट्री पहुंचा तो उसने मेन गेट खुला देखा। अंदर जाने पर गार्ड रूम का गेट बाहर से बंद था। उसे खोलते ही उसके होश उड़ गए। गार्ड रूम में अजय सचान का रक्त रंजित शव पड़ा था और उस पर कपड़ा उढ़ाया हुआ था। पुरुषोत्तम ने सिक्योरिटी कंपनी के डायरेक्टर राकेश त्रिवेदी को सूचना दी। राकेश त्रिवेदी ने यशोदा नगर निवासी फैक्ट्री मैनेजर मनोज कुमार को जानकारी दी। मनोज ने फैक्ट्री मालिक विजय अग्रवाल व पुलिस को फोन किया। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड अजय कुमार सचान के सिर पर भारी वस्तु से प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फैक्ट्री की दीवार और गेट ज्यादा ऊंचा नहीं है, इससे माना जा रहा है कि बदमाश दीवार फांद कर घुसे और आते ही गार्ड पर हमला कर दिया। गार्ड के सिर पर चोट का गहरा घाव मिला है। इसके बाद बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काटे और दफ्तर में जाकर नगदी लूट कैमरों का डीवीआर भी ले गए। घटना हुई यहाँ पर, किस तरीके से गार्ड लेकर रात में 12:30 बजे करीब इनका सामान लेकर के, इनका माल लेकर के कोई एक ट्रक गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि 12:30 बजे रात के बाद की घटना है। और अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके अनुसार ये है कि बहुत ही नज़दीक का आदमी जो यहाँ पे अंदर की सब चीज़ें जानता है, क्योंकि एक सीसीटीवी कैमरा का तार पहले अलग किया गया है और उधर पीछे से एंट्री की गई है, तो चोरी करने के प्रयास में वो तार पहले काटा है, फिर उसका डीवीआर डिस्कनेक्ट किया है जिससे कि कैमरा जो भी है डिस्फंक्शन हो जाए। और उसके बाद से एक बहुत ही अंदर की जगह में जहाँ पे एक अलमारी की चाबी रखी हुई, उसकी चाबी लिया है, फिर 2-3 कमरे छोड़ करके अलग जहाँ पर प्लास्टिक का सामान रखा है वहाँ पर गोलियों में भी बताया जा रहा है कि उनका कैश था 5-6 लाख, वो चोरी किया है। उसके बाद से ये गार्ड को पीछे कहीं बैग में हिट किया है किसी डंडे या किसी हार्ड डंडे से जिससे उसकी डेथ हो गई है। ये घटनाक्रम है, इसमें निश्चित तौर पर बहुत नज़दीक आदमी है, बहुत जल्दी हम लोग इसको घटना का अनावरण कर देंगे और पूरी घटना का पता करेंगे। अभी तक क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन से लोग हैं फील्ड यूनिट? अभी यहाँ सभी सब यहाँ पर सब हमारी जितनी टीम सविधाएँ स्वास्थ्य और थाने की और पुलिस थाने की टीमें लगी हुई हैं, 5-6 टीमें हमने इसमें लगवा दिया है और इन लोगों से बातचीत की जा रही है। जो भी यहाँ पर लोग इस घटनास्थल से जो संबंधित जितने लोग हैं उन सबके के बारे में जानकारी की जा रही है। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।